तो अभी हम देखते हैं, आज हम बनाएंगे इसके ऊपर परचेज सेल्स और स्टॉक की शीट। ये पिछली शीट से थोड़ा सा थोड़ा डिफरेंट किस्म के आइडिया को फॉलो करती है। मिसाल के तौर पे इसमें क्या है कि हम प्राइस नहीं लिखेंगे, बल्कि हम ये लिखेंगे कौन सी डेट पर किस क्वांटिटी में कौन सा सामान आया और फिर कितना बिक गया और फिर उसकी कितनी क्वांटिटी में हमारे पास अभी वो सामान पड़ा हुआ है। ये है परचेज सेल्स और स्टॉक। पिछली वाली शीट जो हमने की थी उसके अंदर अमाउंट की भी जिक्र हो रहा था, इसमें अमाउंट का कोई जिक्र नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने ये लिख कर और यहाँ से ले जाके हमने इसके लास्ट वाले कॉलम तक रख के इसको कर देना है मर्ज एंड सेंटर। सेल स्टाइल्स में जाके हमें इसको कर देना है टाइटल, बोल्ड कर देंगे, फॉन्ट साइज को बढ़ा देंगे थोड़ा सा इसको, और यहाँ से इसको इंक्राइज करके यहाँ पे दिखाएंगे। फिर हम इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे और सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग वन में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट राइट सेंटर कर देंगे और ये इस तरह से नजर आएगा। सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे और फिर सेल स्टाइल्स में जाके इसको हेडिंग टू में कन्वर्ट कर देंगे, लेफ्ट राइट सेंटर कर देंगे, ये इस तरह से नजर आएगा। इसके बाद क्लिक करके इसको यहाँ पे ले जाके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, इसको क्लिक करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, क्लिक करके इसको यहाँ से ले जाके यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ताकि ये तीन रजिस्टर का काम है, इस तरह से नजर आएगा। अब आते नीचे वाले कॉलम्स के ऊपर, तो यहाँ पे आ रहा है डेट और डेट के आगे आ रहा है प्रोडक्ट क्वांटिटी, डेट ऑर्डर, प्रोडक्ट क्वांटिटी, डेट, और यहाँ पे सीरियल नंबर भी आ रहा है। ओके, तो इस सीरियल नंबर को हम उठा के वाई नॉट के यहाँ पे लिखें, बल्कि हम अब देखें शिफ्ट कैसे करते हैं, यहाँ से पकड़ा डेटा को और यहाँ पे ले आए, तो ये तो मसला हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, शीट कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस कॉलम को ऐसे सारे डेटा समेत लेना है। तो सारे डेटा समेत तो हमें ऐसे लेना पड़ेगा, इसको ऐसे पकड़ना पड़ेगा सेलेक्ट करके, और यहाँ से इसको पकड़ेंगे और पकड़ के यहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। तो ये डेटा समेत यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे कॉलम वन रह जाएगा। राइट बटन दबा के डिलीट में जाके इसको अच्छा डिलीट करके कॉलम को डिलीट कर देंगे। तो यहाँ से हम डिलीट कॉलम कर देते हैं, तो ये देखिए कॉलम यहाँ से डिलीट हो गया और सीरियल नंबर पे हमें इस तरह से ये नजर आ रहा है, सीरियल नंबर हो गया डेटा में और इस तरह से ये सारी चीजें नजर आ रही है। अब आते हैं थोड़ा सा कलर स्कीम के ऊपर, लेकिन पहले इसको हम बॉर्डर्स वगैरह लगा देते हैं। तो सेलेक्ट किया हमने यहाँ पे और इसको यहाँ से भी ऑल बॉर्डर्स और थिक बॉक्स बॉर्डर अप्लाई कर दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर जो परचेस रजिस्टर है हमारा, बेसिकली इस परचेस रजिस्टर को एक कलर दे देते हैं। सपोज टू बी इसको ग्रीन कलर दे दिया और इसको व्हाइट कर दिया, और इसके नीचे वाले टेबल्स को हमने क्लिक करके इसे लाइट ग्रीन दे दिया और उसको इस तरह से दिखा दिया। सिमिलरली इसको हमने यहाँ से क्लिक करके डार्क ब्लू कलर दे दिया और इसको व्हाइट कर दिया, और इसके नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट करके हमने यहाँ से क्लिक करके एक लाइट ब्लू कलर दे दिया, ठीक है इस तरह का, और यहाँ पे क्लिक करके ऐसा दिखा दिया। इसके बाद क्लिक करके इसके ऊपर, यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर हमने येलो कलर दे दिया, और क्लिक करके हमने यहाँ से इसको यहाँ से सेलेक्ट करके एक ब्लैक कलर पे अप्लाई कर दिया, या फिर इसका लाइट कलर यहाँ से दे दिया यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। और यहाँ से हमने क्लिक करके इसको इस तरह से रख दिया। अब यह हमारे सामने इस तरह से आ रहा है। अब इसके बाद नीचे जो मामला थे इसके, अब जैसे आप देखते हैं कि हमें बार बार जो है इसके अंदर ये डेटा को सेट करना पड़ता है और आगे पीछे इन चीज़ों को करना पड़ता है, तो एक एक को फॉर्मेट देना पड़ता है, कलर देना पड़ता है। इसका एक आसान सोल्यूशन भी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम इसका टेबल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने डेटा को सही तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे टेबल का इस्तेमाल, लेकिन टेबल का इस्तेमाल बहुत आसान है। आपने क्या करना है, जैसे कि इसको एक अलग टेबल बनाना है, तो इसको सेलेक्ट कर लिया जितने हिस्से पर आपने इसका काम करना है, और फिर इंसर्ट में जाके इसको आपने टेबल में कन्वर्ट करना है। जैसे इसको क्लिक करके आप ओके करेंगे, टेबल पे कन्वर्ट करेंगे, तो उस पर ये फिल्टर के निशान आ जाएंगे और उस पर खुद ही एक फॉर्मेट आ जाएगा। उस फॉर्मेट को आप चेंज कर सकते हैं कैसे, यहाँ से आप कोई स्टाइल पे क्लिक करेंगे और जो स्टाइल आपको इस पर अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से इसके ऊपर लगा देंगे। जैसे ये स्टाइल लग रहा है अच्छा, तो इस पर आप क्लिक करते हैं, वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। सेलेक्ट करें दोबारा से यहाँ पे, तो इसमें आपको बार बार अलग से कलर फॉन्ट्स वगैरह या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। इंसर्ट में जाएंगे और दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे टेबल पे। अच्छा, अब इस पर ऑलरेडी टेबल हुआ हुआ है, तो इसलिए टेबल का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं हो रहा। तो अब इसका टेबल का ऑप्शन कैसे क्लोज करेंगे, इसको क्लोज करने का तरीका ये है कि जब आप इधर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल डिजाइन का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको क्लिक करके आप करेंगे पहले कन्वर्ट टू रेंज और ओके कर देंगे, तो ये इस तरीके से आपका रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको इस तरह से दोबारा से सेलेक्ट करके आपको मौका मिल जाएगा इसको दोबारा से टेबल में कन्वर्ट करने का। तो मैंने इसके तीनों कॉलम को फिर से सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पे गया और यहाँ से टेबल पे क्लिक कर दिया और उसको ओके कर दिया। इसके बाद यहाँ पे इसका कलर ब्लू ही सही है, वरना मैं कलर स्टाइल में जाकर इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद इस वाले हिस्से पे अगर हमें दोबारा से काम करना है, तो इसको सेलेक्ट किया हमने यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट में जाके इसको दोबारा, अब इस पर पहले से टेबल अप्लाई हुआ हुआ है तो कोई मसला नहीं है। हम इसको चेंज कैसे करेंगे, टेबल डिजाइन में जाएंगे, कोई स्टाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो स्टाइल हमें अच्छा लग रहा है इस पर अप्लाई कर देंगे, वो स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा।
अब कुछ एक्स्ट्रा कॉलम अगर इसके अंदर आ गया है, जैसे ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसका मार्जिन, हाँ एक मिनट, इसका मार्जिन सेंटर खत्म करते हैं यहाँ से क्लिक करेंगे, और ये वाला जो एक्स्ट्रा कॉलम है डिलीट करके इसको यहाँ सेंटर कॉलम डिलीट कर देंगे, और फिर इसको यहाँ से लेके सेलेक्ट कर देंगे दोबारा इसके ऊपर मार्जिन सेंटर करके, और फिर इसको यहाँ से अपडेट वाले कॉलम को सेट कर देंगे। सही है, ये वाला नहीं आया इसके ऊपर। ठीक है, क्या क्वेश्चन था आपका? वो तो जैसा स्टाइल हम लगाएंगे वैसे लगा सकते हैं ना, यहाँ क्लिक करके हम ये वाला स्टाइल लगा देंगे तो ये वाला स्टाइल आ जाएगा। ये स्टाइल हम, ये टेबल का ऑप्शन हमने इसलिए यूज किया है कि स्टाइल हम दोबारा से बार बार देना ना पड़े। ठीक है, तो अब ये देखें, स्टाइल जो हमने दे दिया है इस पे, स्टाइल जो हमने दिया है इसके ऊपर, अब उसमें करना ये है कि ये हमें नहीं चाहिए, इनको हम फिल्टर के साइन कहते हैं। तो ये फिल्टर साइन कैसे खत्म होंगे, देखिए यहाँ क्लिक करेंगे फिल्टर का बटन आ रहा है, क्लिक हटा दें यहाँ से चेक, तो ये इसके ऊपर से गायब हो जाएंगे। ये देखिए, तो अब इसके ऊपर से फिल्टर के साइन खत्म हो गए, और यहाँ पे फिल्टर का साइन इसलिए नहीं आ रहा है, ये पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है, तो उसको एक दफा हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करके पहले इसको हम कर देते हैं कन्वर्ट टू रेंज, ताकि ये टेबल से बाहर निकल के आ जाएगा। उसके बाद फिर इंसर्ट में जाके इसको कहेंगे टेबल, और टेबल पे करके ओके करेंगे, तो ये देखिए साइन पे भी आ जाएगा, और यहाँ से फिल्टर पे लगा देंगे। अब रह गया नीचे वाला मामला, तो अब इस पर हमारा कोई काम है नहीं, तो सेलेक्ट करके इसको राइट बटन दबा के डिलीट और इंटायर रो कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये देखें अब हमारा काम कितना ज़बरदस्त हो गया। ठीक है, अब इसका ज़बरदस्त होने की मकसद क्या है, ये हमें आपको समझा देते हैं। आपको ज़बरदस्त होने से मकसद यहाँ पे ये हुआ हमारे साथ फ़ायदा, कि हमारे जो टेबल का जो डिज़ाइन है, जो हमें एक एक करके देना पड़ता था, ठीक है, एक एक करके कलर्स लगता था, उसमें टाइम लगता था, उसमें मेहनत लगती थी, वो हमारा मसला बिल्कुल सेट हो गया, और अब हमें उस पर मसले में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बल्कि अब क्या करेंगे, इसका स्टाइल चेंज करना है, तो ऑलरेडी इस पर टेबल पे तो ये कन्वर्टेड है, तो इसका टेबल डिज़ाइन एक्टिवेट होगा, क्विक स्टाइल में जाके हम इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे। इसका स्टाइल चेंज करना है तो हम इसका स्टाइल यहाँ से चेंज कर देंगे, लेट्स सपोज ये वाला, ये तो ऑलरेडी है, ये वाला कर देंगे, या फिर ये नहीं चाहिए तो ये वाला कर देंगे, और अगर इसका स्टाइल चेंज करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, और इसका स्टाइल हम यहाँ से ये वाला चेंज कर देते हैं जो इस पर लग सकता है। सम टाइम इस तरह का अगर कोई एरर आपके साथ क्रिएट हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप वॉच आउट करें कि आप सेट हो गया ये, तो ये देखें इस तरह से ये कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं, तो बाद में उसको हम इजीली कर लेते हैं, यहाँ से हो जाता है। अब इस पर एक ऑप्शन और भी है कि जैसे अगर आप किसी भी टेबल पे क्लिक करके काम ले रहे हैं, तो उस पर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं हेडर रो के, तो हेडर रो अगर आप हटा देंगे तो हेडर रो के ऊपर से वो डेटा गायब हो जाएगा, और हेडर रो पे फिर चेक लगा देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएगा। सिमिलरली अगर टोटल रो नीचे वाली आपको चाहिए, तो ये टोटल भी करके दे देगा, इन सबका टोटल भी करके नीचे दे देगा, और चेक हटा देंगे तो ये रो गायब हो जाएगी। बैंडेड रोज पे से अगर चेक हटा देंगे, तो बैंडेड रो पे से चेक हटाएंगे तो क्या होगा, ये बैंडेड रो का जो ऑप्शन आ रहा है नीचे वाला, ये एक रो को छोड़ के एक रो बैंडेड खत्म हो जाएगा, और टोटल रो भी हटा देते हैं इसका खत्म हो जाएगा। बैंडेड रो पे लगाएंगे तो एक रो छोड़ के एक रो जो है इसकी इस तरह से नजर आएगी। फर्स्ट कॉलम अगर बैंडेड रो हटाते हैं, फर्स्ट कॉलम को चेक लगाते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, लास्ट कॉलम पे चेक लगाते हैं तो बोल्ड हो जाएगा, बैंडेड कॉलम करेंगे तो एक कॉलम छोड़ के एक कॉलम पे कलर आ जाएगा। तो ये चीज़ जैसे आप चाहें वो आप अपने सारे टेबल के ऊपर अलग अलग कर सकते हैं, और टेबल से बाहर आना चाहें तो कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, और इससे आप दोबारा से नॉर्मल डेटा में बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये एक अच्छी सी शीट इसके ऊपर क्रिएट भी कर ली, और साथ साथ हमने टेबल का स्टाइल भी समझ लिया कि किस तरह से वो काम कर रहा होगा। सही है।